मैं आपकी निधि गुप्ता मैडम आपके लिए क्लास सिक्स हम किया हुआ ना स्टार्ट, क्लास सिक्स की रिवीजन की हुई है हमने स्टार्ट। हनी सकल बुक है आपकी और हम इसके कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने इसके ये 17 तक कर लिए हैं, ठीक है ना। आज हम इसके 17 से आगे स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें। द गर्ल आईज वर, कैसी थी गर्ल्स की आईज, क्या था गर्ल्स की आईज के ऊपर क्या किया हुआ था, कवर्ड विद ए बैंडेज, फिक्स्ड एट द राइटर, शाइनिंग विद डिलाइट या ब्लिंकिंग, कैसी थी उसकी जो आईज थी वो कवर्ड कर रखी थी बैंडेज के साथ। द राइटर हैड हर्ड दैट द टीचिंग मेथड इन ए द बीम स्कूल्स वर, कैसे थे उसके टीचिंग मेथड बीम के स्कूल में, बिल्कुल सिंपल। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे चिल्ड्रंस आइज वर, जो ब्लाइंड डे होता है जिसको हम ब्लाइंड डे बोलते थे, उस दिन क्या होता था जो चिल्ड्रंस की आइज थी उसको क्या होता था, बैंडेज बंदी होती थी। द ब्लाइंड डे वाज, कैसा था जो, क्योंकि सबकी आंखों में पट्टी बंदी थी इसलिए ब्लाइंड डे कैसा होता था, द वर्स्ट, सबसे बुरा दिन होता था, ठीक है। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर, कौन थे जुम्मन, दोनों जो ने क्या थे, गुड फ्रेंड्स। जुम्मन्स ओल्ड आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू, किसके नाम ट्रांसफर कर दी थी उसने, जो उसकी बूढ़ी आंटी थी उसने उसकी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी थी, जुम्मन के नाम। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर सून टायर्ड ऑफ, किससे बहुत जल्दी वो थक गए थे, किससे वो अपने आप को करने लगे थे, जो उसकी बूढ़ी आंटी थी उससे। अलगू सेड दैट द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ, अलगू ने क्या कहा कि जो वॉइस, जो पंच की आवाज़ होती है वो किसकी आवाज़ होती है, गॉड की, भगवान की। एवरी ईयर ए फेयर वॉज हेल्ड इन रशीद्स विलेज ऑन द ओकेजन ऑफ, हर साल कौन से उसमें मेला लगता था वहाँ पर, ईद पे। रशीद अंकल टुक हिम टू, कहाँ ले गए थे उसको, द फेयर, मेले के अंदर ले गए थे। ए बॉय ट्राइड हिज लक फॉर ए थर्ड टाइम एट द लक्की शॉप एंड गॉट, जब उसने थर्ड टाइम अपना लक आजमाया तो उसको क्या मिला, ए रिस्ट वॉच, जो हम हाथ पे बांधते हैं घड़ी, वो उसको मिली। द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड इज, कितने हमारे जो वर्ल्ड में कितने तरह के स्नेक्स मिलते हैं, मोर देन 2300, 2300 से भी ज़्यादा। मैंगोज लाइक टू हंट, कैसे हमला करते हैं जो मैंगोज होते हैं, वो कैसे पसंद करते हैं दूसरे पे हमला करना, इकट्ठे होके, टुगेदर, एक साथ। द बैक्टीरियन कैमल हैज, कैसे होते हैं बैक्टीरियन कैमल के, दो हम्प होती है, टू हम्प्स होती हैं उनकी। द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ द ऑथर वाज, उसका सबसे पहला फ्रेंड कौन था ऑथर का, ए स्मॉल ग्रे स्क्वायर। द ग्रे मैंगोज वाज, कैसी थी, ए सुपर फाइटर थी, क्लेवर थी, एग्रेसिव थी, या इन सब में थी, वो सुपर फाइटर भी थी, वो क्लेवर भी थी और वो एग्रेसिव भी थी। द मैना एंड द जंगल क्रो डिवाइड एट द स्नेक एंड, क्या किया उन्होंने, बम्प्ड इनटू ईच अदर। द बनियान ट्री सर्व्ड द ऑथर एज, जो बनियान ट्री था उसे कैसे करता था, लाइब्रेरी, ड्राइंग रूम की तरह, कॉमन रूम, डाइनिंग रूम, तो कैसा था वो, लाइब्रेरी। आई बात समझ में, अब हमने इसके ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं, 17 हमने पहले किए थे, आज हमने 17 के आगे किए हैं 35 तक, और अब आपने इनको क्या करना है कि सबको कॉपी पर लिखना है, कॉपी पर लिखकर इसको अच्छे से लर्न कर मेरे को लर्न कर सुनाने हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू बेटा।